जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मजो नमस्कार। रात के 9:30 बज रहे हैं। असारी वार्ड नंबर 9 से श्रीमती राखी परिहार जो कि हमारे बीचों में खड़े हैं, नितेंद्र सिंह परिहार जो कि नीतू भैया के नाम से फेमस है, भारतीय जनता पार्टी ने आज इन्हें टिकट सौंप दिया गया है कल, और आज इनका नामांकन हुआ है। इतनी माला रही थी पूरे असारी में, काउ प्रत्याशी को निकली। नीतू भैया कैसो का आशीर्वाद मिल रहा है? इतनी माला पब्लिक का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आप अभी भी देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कितना पब्लिक का आशीर्वाद मिल रहा है। बूढ़े बुजुर्ग सभी, छोटे भाई बड़े भाई सभी लोगों का भरपूर सम्मान मिल रहा है। कभी सोचा था कब इतना सम्मान मिलेगा, इतनी मालाएं मिलेंगी आपको छोटे से चुनाव में? ये कभी नहीं सोचा था कि लोग इतना प्यार अपना आशीर्वाद देंगे। क्या लगता है क्या मूवमेंट है कल से, क्या तैयारी है? तैयारी तो पूरी पूरी है, सुबह से शाम तक प्रचार ही प्रचार चल रहा है। लोगों के घर घर जाके सभी से मुलाकात हो रही है, मीटिंगें हो रही है और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। क्या मन मनाया, रूपरेखा क्या तैयार करोगे अगर पार्षद जनता ने चुन दिया? जनता ने अगर पार्षद चुन दिया तो सबसे पहले तो जो जनता की समस्या है, जैसे रोड हुई, स्ट्रीट लाइट हुई, हैंडपंप हुए, कुएं की समस्या है, और अपना बच्चों के लिए जैसे ओपन जिम है, ओपन जिम की समस्या यहाँ पे है, या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं घूमने के लिए यहाँ पे, या पार्क नहीं है, ओपन जिम नहीं है, मतलब बहुत सी समस्या है। अब लोगों के लिए वहाँ पे मेन रोड पे निकलना पड़ता है, जो असारी वाला हाईवे है वहाँ पे काफी वाहन निकलते हैं, तो जिनसे दुर्घटनाओं का भी कारण बना रहता है। तो आपकी नजर में है सरकारी जमीन या खाली? हाँ, सरकारी जमीन काफी है। गली है खाली? हाँ हाँ काफी। इतनी जनसंख्या आपके संग में दिख रही है इतनी रात में, दिन में तो चार गुना होती है सर आपके संग में। अरे आपने तो देखा ही होगा सुबह से है। बढ़िया अपना नामांकन हुआ है। हाँ। काफी भीड़ थी और लोगों का भरपूर सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे असारी वार्ड नंबर 9 की जनता से? सभी जनता का धन्यवाद जो मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसा ही प्यार हमेशा मुझसे बनाए रखें, उनकी उम्मीदों पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा। भैया का क्या बोल रहे, तुम संग में गए थे भैया के, क्या? बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है जनता से, और जनता चाह रही है कि इस बार भाजपा का सभासद बने, और आज तक यहाँ पे भाजपा का सभासद नहीं बना है, लेकिन इस बार, हाँ लेकिन इस बार नीतू भैया 100% जीतने। नीतू भैया बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सम्मान वाले आदमी है, इन्हीं को जीतने चाहिए। हमारा समर्थन नीतू भैया के लिए जिंदाबाद नीतू भैया। हमारा समर्थन इन्हीं के लिए है। भैया का क्या बताओ? बिल्कुल भैया सपोर्ट करेंगे, हमारे बड़े भाई हैं नीतू भैया, बिल्कुल सपोर्ट में रहेंगे हम उनके। सच्चाई कहाँ है यहाँ से भाजपा? अभी तक तो नहीं निकली, बिल्कुल नहीं निकली, लेकिन इस बार निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। भैया बिल्कुल निकलेगी, बीजेपी क्यों नहीं निकलेगी? नीतू भैया के लिए सभी का समर्थन बहुत भरपूर है, और इस बार बम्पर वोटों से इनकी जीत होगी। आपको समर्थन है करने सब? हमारा है, और सभी भाई बहनों का है, बुजुर्ग बंधुओं का है, सभी माता बहनों का है, इनके ऊपर आशीर्वाद। सरकार अच्छी है बीजेपी की, बहुत समर्थन है नीतू भैया को, इस बार सभासद बनाना है, बिल्कुल सभासद बनाना है।